एलपी राकेश, वेलकम टू अनदर डे अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं, जो भी एलपी की तैयारी कर रहे हैं एलपी और टेक्नीशियन का, उसको लेकर के। और आपको ये भी बताने वाला हूं कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में कितने कटअप गए थे 2018 वाले वैकेंसी में, ताकि आपको अपने आइडिया मिल सके कि आपको कितना पढ़ाई करने की ज़रूरत है इस बार, और कैसे पढ़ाई करने की ज़रूरत है, और कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो उससे रिलेटेड मैं सारा इन्फॉर्मेशन आज डिस्कस करना लूँ आपके साथ। फ्रेंड्स, वैकेंसी हर फोर इयर्स में देखा गया है, तो 2023 में एक्सपेक्टेड है कि वैकेंसी आने के चांसेस हैं, तो इसको लेकर के मैं अभी वही डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग ये मत सोचे कि वैकेंसी नहीं आएगा, वैकेंसी तो आएंगे ही, क्योंकि सारे वेटिंग क्लियर हो रहा है और अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपका मेन प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए अभी, कि आपके तो सिलेबस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, तो सिलेबस आप इस बार जानते हैं, तो आपको ये फ़ायदा आपको ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन हम लोग इस समय क्या हुआ था कि सिलेबस हम लोग को बिल्कुल पता नहीं था, और उस ईयर ये सिलेबस नया लेकर के आया गया था, तो उसमें हम लोगों को बहुत ही परेशानी हुई थी। लेकिन अभी आप लोगों को बहुत सारे मटेरियल भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, हर एक स्टोर में जा कर के ले सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेनली आप स्ट्रेटेजी यही बनाइए कि सीबीटी 1 को पहले तैयारी नहीं करें, सीबीटी 2 को तैयारी करें, क्योंकि सीबीटी 2 में आपका थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है, उसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को भी ऐड किया गया है, तो आप सीबीटी 2 को मेन फोकस करें। और इसमें एक चीज़ आपका क्या फ़ायदा होगा कि आपका मैथ और रीजनिंग इससे कवर हो जाएगा, और आप सीबीटी 2 का तैयारी कर लिए, मतलब आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सीबीटी 2 के अकॉर्डिंग ही आपका मेरिट बनेगा, क्योंकि सीबीटी 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाई के लिए है, उसमें कोई आपका मार्क्स एड नहीं होगा, और उसके क्वेश्चन भी उतने टफ नहीं आते हैं जितने सीबीटी 2 के आते हैं। तो आप मेनली यही स्टडी प्लान करिए कि मेनली सीबीटी 2 को पहले मैं तैयारी कर लूँ, और उसके बाद ही सीबीटी 1 को तैयारी करूँ। और सीबीटी 1 में आपका है ही क्या, जैसे मैथ रीजनिंग तो आप वहीं से कवर कर लेंगे, जनरल नॉलेज भी वहीं से कवर हो जाएगा, सिर्फ आपका बचेगा यही आपका मतलब जनरल नॉलेज बचेगा और जनरल साइंस बचेगा, तो आप इजली कर लेंगे, तो आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से पूरा प्लान करिए। और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के कटअप के बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको, स्क्रीन पर भी बहुत सारे यहाँ दिखेंगे कि कितने कितने कटअप गए थे 2018 वाले वैकेंसी में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का। तो अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये आरआरबी कोलकाता का मैं शेयर कर रहा हूँ, तो इसमें आपका आरआरबी कोलकाता में जो एएलपी के सिलेक्शन लिया गया था, उसमें दो डिपार्टमेंट में लिया गया था, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल मतलब कि आपका डीजल वगैरह के लिए शायद लिया जाता है, और इलेक्ट्रिकल मतलब कि आपका इलेक्ट्रिक लोगों के लिए। तो आपका मेनली इसमें यूआर में मतलब कटअप गया था 41.92, इतने कम कटअप गया था 471, और एससी में गया था 30.01, और एसटी में गया था 25.01, ओबीसी में गया था 30.01। तो ये आपका मेनली कटअप गया था। और इलेक्ट्रिकल में देखें, यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे 43.85 यूआर के लिए गया था, एससी के लिए 30.02 गया था, एसटी के लिए 25.02, और ओबीसी के लिए 30.01। तो ये आपका मेनली कटअप गया था सीबीटी 1 का, ये आपका आरआरबी कोलकाता बोर्ड में, और आरआरबी चंडीगढ़ बोर्ड में देखा गया था सीबीटी 1 का कटअप, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 49.27 यूआर का गया था, एससी का गया था 36.25, एसटी का गया था 25.02, ओबीसी का गया था आपका 37.75। ये आपका मेनली मैं डिस्कस किया फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 का जो कटअप गया था। तो आप फ्रेंड्स यही से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कम कटअप गया था आपका सीबीटी 1 में। तो आप सीबीटी 1 आप इजली निकाल लेंगे, और इस बार भी हार्डली कटअप मतलब जाएगा भी तो कितना, 5 या 6 नंबर या 10 नंबर्स पकड़ लीजिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, तो आप उस हिसाब से तैयारी करिए। और ये जो भी मैं कटअप डिस्कस किया हूँ 2018 वाली जो वैकेंसी थी उसको लेकर के मैं डिस्कस किया हूँ, और इसमें आउट ऑफ 75 में इतने नंबर लाना मतलब लाए थे, तो उन लोगों का सिलेक्शन हो गया था फॉर सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए। तो अभी मैं सीबीटी 2 के बारे में डिस्कस करूँगा। तो सीबीटी 2 में देखिए मेनली आरआरबी चंडीगढ़ का यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, तो यूआर में यहाँ 40 गया था, यूआर के लिए 59.45, ओबीसी के लिए 47.12, एससी के लिए 43.15, और एसटी के लिए 25.28। तो देखिए यहाँ मेनली कितना कम कटअप गया था, मतलब देखिए एसटी एससी का तो बहुत कम गया था, यूआर का फिर भी 59 चला गया था, और ओबीसी का 47। तो ए सीबीटी 2 का कटअप गया था आरआरबी चंडीगढ़ बोर्ड में,
तो इसी बोर्ड में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी इसके बाद अप्लाई किया गया था, तो इससे नंबर इन्हेंस हुए थे जिसके शिफ्ट के अकॉर्डिंग, कोई शिफ्ट हार्ड था तो उसके अकॉर्डिंग उसका नॉर्मलाइज हुआ था। तो इसके बाद इसका फाइनल जो नंबर बना था वो कुछ इन्हेंस हो गया था, तो मेरा 71 नंबर आया था। और ऐसे करके आपका इसमें सिलेक्शन हुआ था CBT 2 में। तो देखिए CBT 2 से ही आपका 70% वेटेज ऑफ मार्क्स को लिया जाएगा और 30% आपका साइको एग्ज़ाम से लिया जाएगा। तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करिए, CBT 2 को पहले तैयारी करिए और फिर CBT 1 के ऊपर जाइए ताकि आपका सिलेक्शन यहीं से कंफर्म हो जाए। फ्रेंड्स, मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। देखिए, जो भी नए लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा हो कि मैथ कैसे प्रैक्टिस करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत लोगों का मैथ वीक होता है। तो उन लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप डेली मतलब जो जो टॉपिक आपको हार्ड लगता है, सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि सबसे पहले आपके पास बुक होना चाहिए कि आपके पास RS अग्रवाल, ये सब मैंने बुक फॉलो किया था, RS अग्रवाल, फिर स्पीडी का, फिर जाके सागिर अहमद का, फिर जाकर के यूट्यूब चैनल से मैं बहुत सारे साहिल सर को मैं फॉलो करता था। तो उनका मैं वीडियो देख देख करके कोई भी टॉपिक मुझे हार्ड लगते थे, जैसे बोटनी स्ट्रीम, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और टाइम एंड वर्क से ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको मैं फॉलो करता था। और कोई भी क्वेश्चन अगर नए नए क्वेश्चन टाइप के बताते थे तो उनको मैं कॉपी में नोट्स कर लेता था और इसके सारा जो टॉपिक मैं उसी तरीक़े से क्लियर करता था ताकि जब रिवीजन करने बैठे और उस टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं बने तो मैं वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ, मेरे पास नोट्स बने रहते थे। तो आप भी इसी तरीक़े से तैयारी करिए, आपका 100% CBT 2 या CBT 1 100% आप मैथ में कमांड कर लेंगे। इसके लिए आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैथ में इस तरीके से आप तैयारी करिए और पूरा डेली प्रैक्टिस करिए, एक दिन भी मिस मत करिए। और कभी कल ऑफ ले लीजिए संडे को, जैसे वीकली स्टडी प्लान बना करके कि मुझे इस सप्ताह इतना पढ़ना है और ये टॉपिक ख़त्म करना है। तो ऐसे तैयारी करिए, आपका इजली हो जाएगा। अब रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। तो रीजनिंग आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको एक बुक खरीदना है। रीजनिंग एक ही बुक सफिशेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस भी करिए ऑनलाइन, बहुत सारे मतलब टेस्ट बुक के हैं, बहुत सारे मैं टेस्ट बुक फॉलो करता था और भी सारे बहुत सारे हैं, बैंकर सड्डा, उसके रीजनिंग वीजनिंग बनाइए, उससे प्रैक्टिस ज़्यादा होगा। और अगर सपोज़ आपको कोई भी टॉपिक्स क्लियर नहीं कर पा रहे, उसमें आप फंस रहे हैं बार बार, तो उसको आप पहले क्लियर कर लीजिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं और कोई भी टॉपिक आप उठा करके वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। इस तरीके से आप तैयारी करिए और अपना नोट्स ज़रूर बनाइए, नहीं कि आप छोड़ दीजिए नोट्स बनाना, ऐसा नहीं है। आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, अपना खुद का नोट्स बनाइए तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसमें मेनली आपका जो क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछे गए थे रीजनिंग में, वो आपका स्टेटमेंट, जंक्शन और आर्गुमेंट से पूछे गए थे। तो आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये सब टॉपिक जल्दी से जल्दी ख़त्म करिए और अपना स्ट्रॉन्ग बनाइए। टॉपिक इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, तो आप इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए और ऐसे ही प्लान करके पढ़िए हर वीकली में कि हमको ये टॉपिक कंप्लीट करना है इस वीक में। तो ऐसे ऐसे तैयारी करते रहिए और आपका रिज़ल्ट 100% होगा। और CBT 2 का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में बताता हूँ। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में आपको हो सके तो मैं एक PDF शेयर कर दूँगा, आप लोग का हेल्प हो जाएगा। तो उस बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में नीरज सर से पढ़ाई किया था, तो नीरज सर काफ़ी अच्छे पढ़ाए थे, तो आप उनका हेल्प ले सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा पढ़ाए थे, हर टॉपिक वाइज पढ़ाए थे, तो आप उनका नोट्स बनाइए, लिखिए कॉपी में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस करिए, तो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ऐसे ही निकल जाएगा। उसमें ज़्यादा टफ नहीं है, उसमें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो भी साइंस स्टूडेंट होंगे या फिर 10th पास आउट होंगे उनको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, हीट, वर्क, एनर्जी, ये सब सारे इसी रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, सब सारे सब्जेक्ट को आप ऐसे कमांड करिए तभी आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा। करंट अफेयर आपको मेनली 1.5 ईयर का कंप्लीट अपना बनाना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से बहुत आजकल। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, अपना डेली पढ़ते रहिए, जो करंट अफेयर वाला आप लिख लीजिए एक नोट में, इम्पोर्टेंट आपके करंट अफेयर बन जाएंगे। और स्पीडी का 1 ईयर का मतलब क्वेश्चन बैंक आता है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं उनको फॉलो करिए जो डेली करंट अफेयर करवाते हैं। तो ऐसे आप इस तरीक़े से तैयारी करिए, आपका सारा एग्ज़ाम
आपका एग्ज़ाम आने के पहले तक आपको लगेगा कि तैयारी करिए और आपका आराम से हो जाएगा। जनरल नॉलेज में भी, मतलब करंट अफेयर में भी आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, 1.5 ईयर सफिशेंट है। आप उतना तैयारी कर लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए, आपका इजली हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे, खोजेंगे तो डेली करंट अफेयर जो करवाते हैं। तो ऐसे तैयारी करिए, आपका रिजल्ट 100% होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करिए, मेरे कमेंट सेक्शन में मैं आपका आंसर दूंगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जल्दी से मेरे चैनल को 1K सब्सक्राइबर तक पहुँचाइए ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। तो अगर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज़ बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत।